بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم بشك الله تعالى قرآن میں اعتدال اور احسان और अहल कराबत को देने का हुक्म फरमाते हैं और खुली बुराई और मुतलक बुराई और किसी पर जुल्म और ज्यादती करने से मना फरमाते और मामूरात मनहियात तमाम आमाल सालिहा और सया आ गए इस जामियत की वजह से कुरान का तिबीआन होना साफ़ जाहिर है और अल्लाह ताला तुमको अमूर मजकूरा की इसलिए नसीहत फरमाते हैं कि तुम नसीहत कबूल करो और अमल करो क्योंकि खुदा और रहमत और बुशरा होना इसी पर माकूफ़ है सूर नहल की आयत इन आज ये मज़मून मुकम्मल हो जाएगा हम पिछले चार पाँच दिनों से इस आयत के मज़ामीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी हम पहलू हम जहती तरबियत करके दुनिया में बेहतरीन इंसान का किरदार पैदा करें और आखरत में अल्लाह के मकरब बंदों में हमारा शुमार हो अल्लाह का तकरब हासिल हो अल्लाह की रज़ा हासिल हो और उसके बदले में रब कायनात हमें जन्नतुल अता फरमाए इसमें इससे पहले जिन मजामी का हम तफसील से जायज़ा लिए हैं उसमें अदल है एहसान है और कराबतदार के साथ उसने सलूक है कुछ चीज़ें एक दूसरे से मुनलिक होने की वजह से एक दूसरे से मरबूत होने की वजह से बार बार तकरार के साथ वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं क़ुरान मजीद में बार बार बंदों का हक़ अदा करने का हुक्म दिया गया है और आप जानते हैं हुकूकुल इबाद ये दोनों तरह के अहकाम इसकी पाबंदी करने की ताकीद की गई है बाज़मा का कहना यह है कि किूकल्ला में अगर कोताही हो जाए वैसे तो होना ही नहीं चाहिए लेकिन बिलफर्ज़ महाल कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला लेकिन हकूक़ल आबाद में अगर कोताही हो तो वो माफ़ नहीं होंगी और जाने अनजाने में हमसे हूक़ल लिबाद में बहुत कोताहियाँ होती हैं उसका हमें एहसास भी नहीं है जो मजमू सोसाइटी का माहौल बना हुआ है हमें उसका एहसास ही नहीं रहता कि हमने ईबत कब शुरू करें, चुगली कब शुरू करें, कब हम किसी की तोहन कर रहे हैं कब हम किस की किसी की इज़्ज़त से खेल रहे हैं कब हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं उसका एहसास ही नहीं है कि कब हम किसको अपनी ज़बान से नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी शख्सियत को मजरू कर रहे हैं माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है लिहाजा इस माहौल की खराबी को दूर करने की ज़िम्मेदारी है जैसे मैंने कमामत दीन इशात दीन और इजहार दीन और अम्रबलमाफ व नहीं अनिल मुनकर और एलाय कलमतुल्ला, ये जो कुरान की असलाहें हैं इससे पहले के किसी दर्स मैंने उसकी वजाहत की थी कि ये ज़िम्मेदारी है मुसलमानों की कि मरूफ़ का हुक्म देना और मुनकर से रोकना ये ज़िम्मेदारी है और जहाँ इस ज़िम्मेदारी में कोताही होगी फिर वो माहौल पनपेगा तरक्की करेगा और फिर बिगाड़ बढ़ता चला जाएगा और फिर हमारे अपने ईमान को बचाना हमारे अपने इस्लाम को बचाना हमारी अपनी रूहानी कैफियत को बचाना भी एक मसला बन जाएगा इसलिए आप देखिए कि इफाक फी सभी का मजमून जिस पर हम गौर कर रहे थे तो बिर का मैंने हवाला दिया और इसके अलावा भी बहुत सारे मकाम पर यह बात है वातलमला अला हब्बी जवील करबा वलतमा वलमसाकिन वबन सबील वसायलिन व फिर रखाब ये ख़ास तरतीब से नामजद शख्सियात का ज़िक्र है कि आप अपना महबूब और पसंदीदा माल अल्लाह की महब्बत में अल्लाह के लिए इन इन लोगों पर ख़र्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले जविल कुरबा है कराबदत हैं और कराबत में भी सबसे पहले वालदान हैं माँ बाप हैं और आज की जो सोसाइटी हम देख रहे हैं इसमें वालदेन का जो अदब और एहतराम मलहूज़ रखना चाहिए उनकी खदमत का जो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए उनकी इताद की जो कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए उनसे मोहब्बत की कैफियत जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो अब कम होती जा रही है वालदान का वो मकाम अब नौजवान नसल के अंदर बाकी नहीं रहा है अपने दोस्त अहबाब की इज़्ज़त हो रही है उनकी दावतें हो रही हैं उनसे ताल्लुक़ उनसे रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं और माँ बाप के साथ अपने ताल्लुक को कमज़ोर किया जा रहा है जबकि कहा गया कि माँ के ख़दमों के, के नीचे जन्नत है ये भी हदीस में हमको मजमून मिलता है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है यानी अगर आप जन्नत के तालिब हैं जन्नत में जाना चाहते हैं तो माँ की खदमत करो माँ का अहतराम करो माँ की इत करो और बाप का भी एहतराम करो उसकी खदमत करो ज़यफ़ी में होता ये है कि लोग माँ बाप से वजन हो जाते हैं आप जयीफ़ माँ बाप हैं ये टेंशन का माहौल पैदा हो गया है उनका खांसना उनका बार बार टोकना उनका जागना और उनका हर बात पर ब्रेक लगाना मशवरे देना अब ये खलता है नौजवानों को बुरा लगता है तालीम ज़्यादा हो गई है डिग्रियाँ ज़्यादा हो गई हैं और अब माँ बाप की तालीम कम है अब हम देखते हैं हमारे समाज में जो हमसे बड़े लोग हैं उनकी तालीम बहरहाल कम थी अब हमारी तालीम ज़्यादा हो गई हमने दो किताबें पढ़ ली है उसके बाद दो पैसे हमने कमा लिए अब दो किताबें ज़्यादा हो गई हैं दो पैसे हमारे पास ज़्यादा हो गए तब हम माँ माँ बाप को हकीर झल समझने लगे हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं कोई उनका एहतराम नहीं जबकि क़ुर मजीद में बंदों के का जिक्र जैसा मैंने कल आपको बताया उसमें सबसे पहले वालदे के साथ हुसन सलूक की ताकीद की गई है और नबी करीम वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एहसान का जो पहलू है दरगुजर का जो पहलू है और हसन सलूक का जो पहलू है बहुत नुमा है जो लोग आपको सताते हैं आप उनके साथ हुसन सलूक करते हैं जो लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं आप उनका एहतराम करते हैं जो लोग आपकी मुखालफत करते हैं आप उन उनसे अदब व अहतराम से पेश आते हैं मक्के के सरदारों का कैरेक्टर हमारे सामने है ये उतबा है यह रबिया है यह आस बबन वाइल है ये नजर अबिन हारिस है ये वलीद बिन मग़ैरा है कितने नाम ऐसे हैं जो रबी करीम अलैहि वसल्लम का मदाक उड़ाते हैं अबू लहैब और अबू जहल हैं तनखीद करते जिस्मानी रूहानी मादी अजियत पहुँचाते हैं नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन आपका रवैया बिल्कुल मसबत है सलाम अस्पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएँ दीं क्या कैरेक्टर ये देखिए आप गालियाँ सुनकर दुआएं देना ये बहुत बड़ा बहुत मज़बूत और बहुत पाकिज़ा कैरेक्टर जाहिर करता है आप देखिए कि समाज में वो लोग जो मोहताज हैं ज़रूरतमंद हैं उनके काम आना बाजार ऐसा मालूम होता है कि भाई ये बिल्कुल छोटी सी बात है और समाज में वो लोग जो पिछड़े हुए हैं अब जैसा मैंने कहा ना दो पैसे आ गए दो किताबें ज़्यादा पढ़ लिए दो चार अखबार भी हमारे पास आते हैं कुछ इंग्लिश के अखबार आते हैं कुछ उर्दू के अखबार आते हैं तो हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए तो जो गरीब है मोहताज है मस्किन है उनकी तरफ तोज्जो कम रहती है लेकिन लाख रसूल सलील व्लम का करेक्टर देखिए किरदार देखिए सीरत देखिए आप कि ख़ातून है बैठी हुई है रास्ते से लोग गुजर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रही है कि देखिए ये मेरा सामान उठा के मेरे सर पर रख दो मैं उसको लेकर चलूंगी तो किसी ने वो सामान उठा के सर पे नहीं रखा है किसी ने मदद नहीं की है नबी करीम का गुज़र वहाँ से हुआ तो उस खातून ने आपसे भी रिक्वेस्ट रे -रे की तो आपने कहा कि भाई माई मैं इस वजन को मैं अपने सर पे रखता हूँ मैं लेकर चलता हूँ बताओ कहाँ जाना है तो वो खातून बहुत मुतासर हुई और रास्ते से चलते है उन्हें बोले बेटा यहाँ पर एक शख़्स है जिसने नया दीन पेश करना शुरू कर दिया है जो अपने बाप दादा के दीन के ख़िलाफ़ दी, नया दीन पेश कर रहा है और समाज के अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है और बाप दादा को बुरा बुरा कह रहा है तो बहरहाल तुम एक अच्छे आदमी हो मेरी तुमसे ये गुजारिश है कि तुम उस आदमी के चक्कर में नहीं आना देखिए गौर कीजिए आप जरा इस वाक़े पर आखिर में वो कहती है कि बेटा अब मंजिल आ गई है मेरी और तुम बहुत अच्छे आदमी हो मेरी नसीहत पर अमल करो तो आपने फरमाया कि माँ तुम जिस शख्स से मुझे रोक रही हो वो मैं ही हूँ मैं ही हूँ वो शख्स हूँ आपको मालूम है क्या हुआ वो बूढ़ी खातून फौरन मुशर्रफ सलाम हो गई मुसलमान तो हो गई कि जिसका कैरेक्टर ऐसा हो यकीनन उसकी दावत उसका पैगाम बहुत पाकिजा है मुसलमान तो गए एक शख्स है जो आप रास्ते से गुजरते तो कचरा डाल देता एक दिन आपके बदन पर कचरा नहीं आया तो आपने पूछा क्या बात है क्या बात है तो मालूम हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है साहब की बीमार है तो कहा चलो मैं यादत करता हूँ आप गए इजादत करने के लिए हमारे जैसा कोई आदमी रहता था बोलता अच्छा हुआ आज नहीं आया कचरा या एक मरतबा आया दूसरी मरतबा उसका गला पकड़ के उसको घोसाल के मारते लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब कचरा नहीं आया तो आपने तहकीक मामला क्या है तो मालूम हुआ कि बीमार है इजादत को आप चले गए तो आप जानते हैं उसका असर क्या हुआ वह शख्स मुसलमान हो गया यह है असल में कैरेक्टर की ताकत यह है हसन सलूक की ताक, ताकत और यह है एहसान की ताकत आप जानते हैं कि तारीफ का वाक़ हमारे सामने है शब अमी तालीफ के वक़ात हमारे सामने हैं मक्के का ज़र्रा ज़र्रा गवाही दे रहा है हर नुक्कड़ हर गली गवाही दे रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह लोगों ने सताया लेकिन आप, आपने मुसबत रवैया अख्तियार किया है ये इस्लाम की दावत में मवसर अदा करता है ये तालीम जो है शख्सी तौर पर भी फ़ायदा पहुंचाती है इज्तमाही तौर पर भी यह तालीम फ़ायदा पहुंचाती है दावत के काम में भी ये रवैया जो है बहुत मौसर रहता है जिसका इन आयात में ज़िक्र किया जा रहा है हम इसकी तफसील में देखेंगे अब देखिए कुतुब शहीद ने जो वात की है वो वो देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि जनह वल बग़ बदी बेहयाई और जुल्म ज़्यादती से मना करता है फहशा हर उस बात को कहते हैं जो हद से तजावज़ करे। ये ज़्यादातर उस तजावज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी की ज़ाती इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो क्योंकि जिनसी बेराह रवी भी एक ऐसा फ़ेल है जो अपनी हदूद से आगे बढ़कर किया जाता है इसमें भी ज़्यादाती और से तजावज़ पाया जाता है बिलूम यह लफ्ज़ जिनसी बेराह रवी के साथ मखसूस हो गया है और मुनकर वो फ़ेल है जिसका फितरत सलीमा इनकार करे और शरीयत भी उसे इसी वजह से मुनकर समझती है क्योंकि इस्लामी शरीयत और इस्लामी निज़ाम एक फ़ित्री निज़ाम है शरीयत और क़ानून तो अपनी जगह कायम रहते हैं फितरत इंसानी बसावत बिगड़ जाती है फितरत के बिगाड़ के वक्त फिर शरीयत मैार बन जाती है अलब इस मुराद जुल्म और ज़्यादती के हुकूक पर दस्त लोगों के हकूक़ पर दस्त दराज़ी है दुनिया में कोई माशरा कोई माशरा भी फहाशी मुनकर और कायम नहीं रह सकता बड़ा खास जुमला है फिर आप उसको एक मरतबा सुनिए दुनिया में कोई मुशरा भी फाशी मुनकर और जुल्म पर कायम नहीं रह सकता ऐसा मुशर कभी भी कायम नहीं रह सकता जिसमें फाशी वसी पैमाने पर रज हो नीज़ ऐसी सोसाइटी कभी पनप नहीं सकती जिसमें मुनकरात ने लोगों को अपना गिरविदा बना लिया हो ऐसा कोई मुल्की निज़ाम कायम नहीं रह सकता जिसकी बुनियाद जुल्म पर हो मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ ऐसा कोई मुल्की निज़ाम कायम नहीं रह सकता जिसकी असास जुल्म पर हो कोई भी माशरा ऐसे इजतमाई निज़ाम को बहुत ही कम अरसे तक बर्दाश्त करता है जल्द ही इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं अगरचे ऐसा कोई ालाना जाबराना, माशरा पुरवत और पुर शौकत हो अगरचे ऐसे इसमाई निज़ाम के बाख्तियार लोग ऐसे निज़ाम की हिमायत और बचाव के लिए लानतहा वसायल इस्तेमाल करें इंसानी तारीख़ का अगर तफसी मताल किया जाए तो ये तारीख़ दर हकीकत फहाशी, मुनकर और जुल्म के ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज से इबारत है लिहाज़ा इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि तारीख़ में कुछ अरसे तक कोई इजमाई निज़ाम माशी फहाशी कायम रहा है ऐसे निज़ामों के ख़िलाफ़ चूँकि हमेशा एहतजाज और रद्दमल होता रहा है इसलिए तारीख़ से यही सबक़ मिलता है इस्लाम इस फितरी रदल को इस्लामी जद्दजहद करार देकर उसे अवत अता करता है यही वजह है कि इस हुक्म पर सबक़ आमोश तबसरा यूँ आता है जैज़कुम लाकुम तज़क़ कर वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो ये नसीहत इसलिए है कि तुम अपनी असल फितरत की तरफ रुजू करो और उसे याद रखो तीन हुक्म एजाबी थे आगे तीन मन और हुरमत के अहकाम है हैं जिनह अनिलफहशावल मुनकर ये अल्लाह ताला मना करता है फहशा और मुनकर और बगल से फहशां हर ऐसे बुरे फेल या कौल को कहा जाता है जिसकी बुराई खुली हुई और बाजे हो हर उख्स हर शख्स उसको बुरा समझे और मुनकर वो कौल फ़ेल है जिसके हराम और नाजायज होने पर अहल शरा का इतफ़ाक़ हो इसलिए इजतहादी अख्लाफात में किसी जानब को मुनकर नहीं कहा जा सकता और लफ्ज मुनकर में तमाम गुना ज़ाहरी जा, और बातनी आमली और अखलाक़ी सब दाखिल हैं और बाकी के असल मानी हद से तजावज़ करने के हैं मुराद इससे ऊदवान है यहाँ अगरचे लफ्ज़ मुनकर के मफह में फहशा भी दाखिल है और बगी भी लेकिन फहशा को उसकी इंतहाई बुराई और शुनात की वजह से अलग करके बयान फरमाया और मुकदम किया और बा को इसलिए अलग बयान किया कि उसका असर दूसरों तक मुत होता है बाद अव यह तदी बाहमी जंगों जदल तक या उससे उससे भी आगे आलमी फसाद तक पहुँच जाती है हदीस में नबी करीम वसल्लम का रशाद है कि जुल्म के सिवा कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसका बदला और अजाब जल्द दिया जाता हो इससे मालूम हुआ कि जुल्म पर आख़रत का अजाब शदीद तो होना ही है इससे पहले दुनिया में भी अल्लाह ताला जालिम को सज़ा देते हैं अगरचे वो ये ना समझे कि ये फलां जुल्म की सज़ा है और अल्लाह ताला ने मज़लूम की मदद करने का वादा फरमाया है इस आयत ने छः हुक्म मसबत और तहरीमी दिए हैं अगर ग़ौर किया जाए तो इंसान की इनफरादी इजमाही ज़िंदगी की मुकम्मल फलाह का यह नस्ख़े अक्सर है अल्लाह इस पर अमल की तोफ़ी ख़तः फरमाए तफीमल कुरान में भी बहुत तफस से इस पर मौलाना मधुदी ने लिखा है इन शाह हम उस पर भी गौर करेंगे तीसरी चीज़ जिसका इस आयत में हुक्म दिया गया है सिला रहमी है जो रिश्तेदारों के मामले में एहसान की खास सूरत मतन करती है इसका मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि आदमी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे और ख़ुशी और ग़म में उनका शरीक हाल हो और जायज हदूद के अंदर उनका हामी व मददगार बने बल्कि इसके मानी ये भी हैं कि हर सहाब सतात शख़्स अपने माल पर अपनी ज़ात और अपने बाल बच्चों ही के हकूक न समझे, बल्कि अपने रिश्तेदारों के हकूक़ भी तस्लीम करें शरीत इलाही हर खानदान के खुशहाल अफरा को इस अम्र का जिम्मेदार करार देती है कि वह अपने ख़ानदान के लोगों को भूखा नंगा न छोड़ें उसकी निगाह में एक माशरे की इससे बदतर कोई हालत नहीं कि उसके अंदर एक शख्स आयश कर रहा हो और उसके ख़ानदान में उसके अपने भाई बंद रूटी कपड़े को मोहताज हो आ, वो ख़ानदान को माशरे का एक अहम अनसर तरकीबी करार देती है और ये असूल पेश करती है कि हर खानदान के ग़रीब अफराद का पहला हक़ अपने ख़ानदान के खुशहाल अफराद पर है फिर दूसरों पर उनके हकूक़ आयद होते हैं और हर खानदान के खुशहाल अफराद पर पहला हक उनके अपने ग़रीब रिश्तेदारों का है फिर दूसरों के हकूक़ उन पर होते हैं यही बात है जिसको नबी सल्हलम ने अपने मुख्तफ़ इरशादात में वजाहत के साथ बयान फरमाया है चुनानचे मतदद अहदीस में इसकी तस्रीर है कि आदमी के अवलिन हकदार उसके वालदान उसके बीवी बच्चे और उसके भाई बहन हैं फिर वो जो उनके बादब तर हों और फिर वो जो उनके बादब तर हों और यही उसूल है जिसकी बिना पर हज़रत अहमद रजीन एक यतीम बच्चे के चजाज़ाद भाइयों को मजबूर किया कि वह उसकी परवरिश के जिम्मेदार हों और एक दूसरे यतीम के हक़ में फैसला करते हुए आपने फरमाया कि अगर उसका कोई बज तरीन रिश्तेदार भी मौजूद होता तो मैं उस पर उसकी परवरिश लाजिम कर देता अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिस माशरे का हर वाहिदा यानी यूनिट इस तरह अपने अपने अफराद को संभाल ले उसमें माशी हैसियत से कितनी खुशहाली माशरती हैसियत से कितनी हलावत और अखलाक हैसियत से कितनी पाकिजगी और बुलंदी पैदा हो जाएगी ऊपर की तीन भलाइयों के मुकाबले में अल्लाह ताला तीन बुराइयों से रोकता है जो इनफरादी हैसियत से अफराद को और इजतमाई हैसियत से पूरे माशरे को ख़राब करने वाली है पहली चीज़ फहशा है जिसका इतलाक़ तमाम बेहुदा और शर्मनाक अफाल पर होता है हर वो बुराई जो अपनी ज़ात में नहाय कबी हो फ है मसलन बखल है जना है हरियानीत है अमल कौमलूत है महरमात से निका है चोरी है शराब नोशी है भीख मांगना है गालियाँ बकना है बदकलामी करना है ये सब फाहशा में आते हैं इस तरह अलल ऐलान, बुरे काम करना बुराइयों को फैलाना भी फाहिश है मसल झूठा प्रोपेगंडा तहमत तराशी पोशीदा जराइम की तशहर बदकारियों पर उभारने वाले अफसाने और ड्रामे और फिल्म फिल्मियाँ तस्वीर औरतों का बन सवर कर मंजर आम पर आना अलल एलान मर्दों और औरतों के दरमियान अख्तिलात होना और स्टेज पर औरतों का नाचना थिरकना और नादो अज़ाके की नुमाइश करना वगैरह सूर लकमान में एक लाहवल हदीस का जिक्र है नजरबिन हारिस ने कहा कि मैं कुछ गाने बजाने गाने बजाने वाली कसाओं को लाता हूँ ताकि वो लोग जो कुरान की जाज़बियत से मुतासर होकर कुरान समझना चाह रहे हैं कुरान सुनना चाह रहे हैं तो उनकी तवज्जो को हटाया जाए तो मैं लाहवल हदीस कलाम दिल फरेब मौलाना मदूद्दी ने उसका तर्जमा किया है कलाम दिल फरेब तो वहाँ भी क़ुरान से दूर करने की उस ज़माने में जो बातें थी उसका जिक्र किया गया आज तो इस्लाम से क़ुरान से दीन से नमाज से मस्जिद से रोज़े से ज़िक्र से तिलावत से दूर करने के इतने असबाब हो गए हैं इतने वसायल हो गए हैं इतने जराए हो गए हैं कि हमारे फहमो अद्राक में भी उसका वो नहीं आ रहा है कि माशरा कितना बिगड़ चुका है अब हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक मोबाइल आ गया है ये सब क्या है इस पर आप गौर करें जो लाहवल हदीस की तारीफ़ में आता है आप टी वी के सीरियल्स देखें आप तो उसमें भी कितनी रुानियत है बेपरदगी है महरब अखलाक बातें हैं अखलाक को ख़राब करने वाली अखलाक चीज़ें हैं जो आज आम हो गई हैं लासिक हो गई समाज में हमको उसका एहसास भी नहीं है आप देखिए इश्हारत में खूबसूरत खवातिन का इस्तेमाल हो रहा है खुवात ये समझती नहीं वो कहते हैं कि अब हमारा तो मर्दों के साथ अब हमको मसाविया नकूक़ मिल रहे हैं मर्दों की शाना बशाना हम जो है आगे बढ़ें हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं लेकिन उनको इसका एहसास नहीं है कि मर्द उनको बेव... बेवकूफ़ बनाकर कैसे इस्तेमाल कर रहा है अरे तो ऐसी चीज़ें भी जो सिर्फ मर्दों के इस्तेमाल की होती हैं उनके इश्तहार में खुतिन का रोल है खुवा का किरदार है और ख़वा आकर जो है उस उसका इश्तिहार पेश कर रही हैं आप गौर कीजिए अब ख़बरें देखने आप बैठे तो एक मिनट के बाद फिर वो बाजार गर्म हो जाता है इश्तिहारत में वो सब ऐसी चीज़ें आती हैं कि देखने को शर्म आती है अपने ख़ानदान अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ कर देखने को शर्म आती है ऐसा माहौल आज हो गया है तो जाहिर बात है इस माहौल को ख़त्म करना एक बड़ा मुजाहिदा है इसीलिए मौलाना सैद अहमद अरूज कादरी साहब ने एक जगह लिखा है कि ये दौर इतना नाजुक है और इतना बिगड़ चुका है आज से मैं समझता हूँ चालीस पचास साल पहले उन्होंने कहा था और अब जिस दौर में हम इस वक्त सांस ले रहे हैं ये तो ये दौर तो ये हालात तो उनके सामने थे ही नहीं जितना बिगाड़ आज आम हो गया है इतना बिगाड़ तो उस ज़माने में नहीं था चालीस पचास साल पहले उस वक्त उन्होंने कहा था कि दौर इतना नाजुक है कि अगर कोई शख्स अपने ईमान को बचाते हुए यहाँ से गुज़र जाता है तो वो शख्स इस दौर का सबसे बड़ा वली तब अब आप गौर कीजिए कि इस दौर में जिसमें हम सांस ले रहे हैं कि कदम पर बिगाड़ है बाहर निकलें बेपर्दगी यानियत कोई एहसास नहीं है कोई शौर नहीं है बिगाड़ ही बिगाड़ हर कदम पे बिगाड़ है तब तो ऐसे में अपने आप को बचाना कितना बड़ा मुजाहिदा है तो उस, उस मकाम पर भी आप देखिए सूर लकमान की उस की तशरी में मौलाना जो कुछ लिखा है वो भी बहुत पुरानी बात है यानी उनके इंतकाल को कोई मौलाना के इंतकाल को बयालीस साल हो रहे हैं इकतालीस साल हो रहे हैं तो जब उन्होंने तफसीर लिखी तो उसको पचास पचपन साठ साल हो रहे थे उस जमाने में जो फौश और मुनकरात का बाजार गर्म था उसका तस्कर मौलाना किया है जरा आज के हालात पर आप गौर कीजिए और यही हालात अगर रहे तो आगे चल के नहीं मालूम बिगाड़ कितना जो है आगे बढ़ेगा और बुराया मुनकरात का बाजार कैसे गर्म होगा सिर्फ हम तस्वूर करें तो बहरहाल कुरान हमारी रहनुमाई करता है कि ये सारे मकरब अखलाक हमारे करेक्टर को हमारे किरदार को ख़राब करने वाली हमारे ईमान को ख़राब करने वाली हमारी रूहानी कैफियत को मुतासर करने वाली चीज़ों से हम अपने आप को बचाएँ और फिर समाज में उसको मिटाने की हम कोशिश करें और काम अपनी शख्सियत से अपने घर से अपने माहौल से अपने समाज से शुरू होगा और जहाँ जहाँ ये खराबियाँ हम देखते हैं महसूस करते हैं उनको मिटाने की जिम्मेदारी बहरहाल मुसलमान होने के नाते हम सब की है तो हमारे अइमा हजरात जुमे में जो खुतबात देते हैं वो ये फहशा और मुनकरात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ क़ुरान मजीद ने एक नुस्खे की मियाँ हमको दिया है इन्ना सलात तो तनहा अनिल वल मुनकर आप देखिए गौर कीजिए नमाज तमाम फह और मुनकरात से रोक देती है अब नमाज़ पढ़ने के बाद भी अगर कोई फवाशा और मुनकरा से फौश काम और मुनकर से रुका हुआ नहीं है तो उसने नमाज कैसे अदा की है नमाज कैसे पढ़ी है इस पर भी आप जो है ग़ौर करें इस पहलू पर भी हमें गौर करना चाहिए नमाज तो बहरहाल रुकती है जिस फौश और मुनकर से रुकती है तो बहरहाल बिगाड़ बहुत सर से ऊपर हो गया है पानी सर से ऊपर हो गया है इसको दूर करना इसको मिटाना हमारी ज़िम्मेदारी है अब आगे मौलाना लिखते हैं दूसरी चीज़ मुनकर है जिससे मुराद हर वो बुराई जिसे इंसान बिलूम बुरा जानते हैं हमेशा से बुरा कहते रहे हैं और तमाम शराय इलाहिया ने जिससे मना किया है तीसरी चीज़ बग जिसके मान है अपनी हद से तजावस करना और दूसरे के हकूक़ पर दस्त दराजी करना ख्वा व हकूक़ खालिश के हों या मखलूक़ के हों ये सब बग में आता है तो अल्लाह नसीहत करता है तुम्हें कि ये जो बुराइयाँ बयान की जा रही हैं इससे अपने दामन को पाक करें और जैसा तखबे के सिलसिले में बात आई थी हजरत अमर ने पूछा कि तखबा क्या है तो उनको जवाब दिया गया कि क्या तुम्हारा गुज़र किसी ख़ारदार झाड़ी से हुआ है तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा इतफ़ाक़ तो बारहा हुआ तो तुम कैसे गुजर गए उन्होंने कहा कि मैं अपने दामन को कांटों से बचाते हुए गुजर गया उस रास्ते से तो कहा गया है कि यही तखवा है कि ये समाज के अंदर जो बिगाड़ बिगाड़ है इतदी है अखलाक़ी है समाजी है माशी है सियासी है और किसी भी नौीय का आप देखें बिगाड़ ही बिगाड़ है इस बिगाड़ के माहौल में अपने दामन ज़िंदगी को इस बिगाड़ से बचाते हुए तखवा और परहेजगारी के तखाज़ों को पूरा करते हुए इस्लाम के अहकाम परमल करते हुए यहाँ से गुज़र जाना ये तखवा है इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अपनी निगाहों की हिफाजत है अपनी ज़बान की हिफाजत है मौलाना अशरफ अली साहब के मलफूज़ात में से कल एक मकौला पढ़ने को मिला है उन्होंने कहा कि बुरे कामों से वैसे आम दिनों में बचना ही चाहिए लेकिन रमज़ान के महीने बतौर ख़ास बचना चाहिए वो इसलिए कि जैसे न, रमज़ान के महीने में अगर कोई नेक अमल किया जाए तो अल्लाह ताला उसका अजर षवाब बड़ा चढ़ा के देता है एक नफल पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर है फ़र्ज पढ़ेंगे सत्तर फ़राज़ के बराबर है अल्लाह के राह में माल खर्च करेंगे तो उसका अजर सवाब है मतलब रमज़ान में जो नेक काम किए जाएंगे उनका अजर स्वब बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला देगा और रमज़ान के महीने में अगर फौश मुनकरात का बाजार गर्म होगा बुरे काम करेंगे तो जाहिर बात है उसकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा होगी उसके असरात भी बहुत ज़्यादा होंगे तो पूरे पाकिज़ा माहौल में भी अगर कोई आदमी अपने आप को बुराई से ना बचा सका तो ज़ाहिर बात है फिर आम हालात में नार्मल हालात में तो आ, अपने आप को बुराई से बचाना एक मसला है इसलिए ये रमज़ान का महीना जो हमारी तरबियत कर रहा है हमारी सलाह कर रहा है हमारी ज़बान पर हमारे हमारे दीदों पर हमारे मेदों पर जो यानी कंट्रोल करने की बात कहता है आ, उस पर ब्रेक लगाने की बात करता है हमारे कानों पर ब्रेक लगाने की बात करता है रोजे में हम अपने कान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी आँख का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने हाथ पाँव का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही तो है ना तरबियत यही तो मिजाज है कि आपको गलत काम करना ही नहीं है रोज़े में तो इन चीज़ों से सख्ती के साथ आपको रोका जा रहा था कि आम दिनों में आपको रुकना आसान हो जाए और फिर बंदों के हकूक़ से मुतल क़ुरान मजीद में, में देखिए जहाँ ज़िक्र आया है मैं उसके सिर्फ हवाले दे देता हूँ आप अपने तौर पर भी उसका मताल कर सकते हैं वालद्देन के साथ हुसन सलूक है और ग़रीबों के साथ हुसन सलूक की जो बात कही गई है देखिए सूर अहकाफ़ आयत नंबर पंद्रह से आगे पारा छब्बीस है रुकन नंबर दो है सूर्य नाम आयात एक सौ इक्यावन से आगे पारा आठ है रुकन नंबर उन्नीस और छः सूर्य लकमान आयात चौदह पारा इक्कीस है सूर्य का रुक है दो और पारे का रुकू नंबर है ग्यारह सूर्य बनी इसराइल जिसको सूर्य असरा भी कहते हैं ये आयात बाईस से शुरू हो रही है पंद्रवा पारा है पारे का रुकन नंबर तीन है सूर्य का रुकन नंबर तीन है ये चंद आयातें मैंने हवाले के तौर पे आपके सामने रखी हैं आप जो है शख्सी तौर पर तफासिर के जरिए से तर्जमे के जरिए से इन मकाम को पढ़ें समझें तो मालूम होगा कि इस्लाम किस तरह का समाज बनाना चाहता है कैसे सोसाइटी तश्ील देना चाहता है माहौल को कितना पाकिज़ा बनाना चाहता है दुआ कीजिए अल्लाह हम सब को इस्लामी तालीमात को फॉलो करने इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक क़ता फरमाए तो बाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन